द पोलिटिकल मूवमेंट आपां स्टार्ट की थी टू गैट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। ब्रिटिश जो इमीजिएटली इंडिया च आए तो उन्होंने इंडियन सोसाइटी नू देखिया एंड क्या कि यार थोड़ी सोसाइटी तो बहुत ही बैकवर्ड है, इतने का बहुत ही लाइक सुपरस्टिशियस कस्टम्स वगैरह तुसी फॉलो करते हो, साड़ी सुपीरियर सिविलाइजेशन है तुहाडी इनफीरियर सिविलाइजेशन है। तो आपां की कीता इस चार्ज नू रिमूव करन लई, मतलब पोलिटिकल जड़ी मूवमेंट है वह तो बाद चो स्टार्ट हुई, लेकिन उस तो पहला आपां सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट कीतिया, अपनी ही सोसाइटी नू रिफॉर्म करन लई कुछ स्टैप्स चुके, ताकि लाइक ब्रिटिश जड़ी ये गल्लां कह रहे हैं घट्टो घट इहदा तां आपां जवाब देण जोगे होईए। ता काफ़ी सारिया लाइक काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए, रिलीजियस रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस बनाइया या इन जनरली अपनी जड़िया कस्टम्स वगैरह सीगिया जड़िया बैकवर्ड प्रैक्टिसेस वगैरह सीगिया उन्होंने अपोज किया। तो इस कंटेक्सट फैक्चुअल इनफॉर्म बहुत इनफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बनती है कि यार आ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कौन सी, ए ए ए पार्टी किने बनाई है, ये ऑर्गेनाइजेशन किने बनाई है, तो वह सारिया चीज़ें हैं। दो तीन दियाँ डिटेल्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगे नैक्सट मैंबर कौन बनया, नैक्सट प्रेजिडेंट कौन बनया या नैक्सट लीडर कौन सी, तो वो आप लाइक जिनी को मैं लगता है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो डिटेल्स चाहिए हैं उन्हीं डिटेल आप टॉपिक कवर करांगे। बाकी इस अनलिमिटेड इनफॉर्मेशन है, इनफॉर्मेशन का कोई अंत है नहीं गा, बट आई वुड सजेस्ट के जे आपू इन्ने नाम क्लीयर है तो रीजनेबली आप कंफर्टेबल होवे अपने एग्जाम्स लिए। तो कहानी स्टार्ट होंगी है फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय। इन्हों फर्स्ट मॉडर्न इंडियन भी कहा जाता है, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। का काफ़ी लाइक पढ़े लिखे सके, काफ़ी लैंग्वेजेस से ही वॉज वेल वर्स्ड, पर्शियन, बंगाली, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, अरेबिक, काफ़ी ही मतलब ही वॉज अ वेल रेड पर्सन एंड काफ़ी ही लाइक पढ़े लिखे इंसान सी। एक ही करते हैं इन्हों की पार्टी तुसी याद रखो, इन्हों की ऑर्गेनाइजेशन तुसी याद रखोगे, आत्मीय सभा बनाते हैं 1815 कैलकटा च। यह जड़े अपने सोसाइटी के हिंदू रिलीजन जो पर्टिकुलरली जड़े इल्स वगैरह होंगे है, पोलीथीजम जड़ा होंगे, इन्हें सारे गॉड्स की वर्शिप, आइडल वर्शिप वो अगेंस्ट प्रीच करन लई आत्मीय सभा बनाते हैं। यही आत्मीय सभा इवेंचुअली ब्रह्मो समाज च कन्वर्ट हो जाती है 1828 च। आत्मीय सभा ही मतलब जो थानू इन जनरल क्वेश्चन आवे कि ब्रह्मो समाज कदों बनया, 1828 च। आत्मीय सभा कदों बनी, 1815 च, बट लाइक इन जनरल यह आत्मीय सभा का ही अगे सीगा, उन्होंने होर एक्सपैंड करता तो एक नवी ऑर्गेनाइजेशन बनाई ब्रह्मो समाज कैलकटा च 1828 टू प्योरीफाई हिंदुइज़म एंड टू टीच मोनोथिज़म, कि रब तो एक है, मोनोथिज़म टीच करन लई आ जड़ी मल्टीपल गॉड्स की वर्शिप चल रही है, आइडल वर्शिप चल रही है, उन्होंने अपोज करते हुए। राजा राम मोहन रॉय बारे आपा कीता है कि इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक नू सपोर्ट कीता सीगा इन अबॉलिशिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 च सती अबॉलिश करते हैं, उस कंटेक्स च सती एबोलिशन के कंटेक्स च राजा राम मोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हों राजा का टाइटल किने दिता, ये भी अपना एक MCQ बनता है कि हू गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय। ये दिता सीगा मुगल एम्परर अकबर टू ने, उस टाइम ते मुगल एम्परर सीगे अकबर टू, ये टाइटल लेंदे आ, क्यों भाई इनू की लोड़ पै गई। एक्चुअली उदों मुगल एम्परर लेंदे हुंदे सीगे ब्रिटिश सरकार तो पेंशन, अकबर टू नू लग्या यार मेरी पेंशन बहुत घट है, महंगाई वध रही है, मेरा खर्चा पानी भी वध रहा है, मेरी पेंशन वधाई जाए, तो इन्होंने भेजना सीगा किसी नू क्वीन, किसी नू गल करन लई क्वीन नाल, की है साल चल रहे 1830s, उदों कौन सी राजा भी हो सकता भी, आई एम नॉट श्योर, क्वीन विक्टोरिया बनी है 1837 च। तो इन्होंने राजा राम मोहन, इन्होंने राम मोहन रॉय नू कहा भी मेरे बिहाफ ते तू नैगोशिएट कर लै, बट राजा राम मोहन रॉय मतलब राम मोहन रॉय उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहें कि मेरे नाल कोई क्यों ही इंग्लैंड का राजा गल करूगा, कि मैं तो एक आम इंसान है, वह तो मैं मिलेगा भी नहीं, तो कहते तू आम इंसान थोड़ी है, मैं तेन टाइटल दे दिना राजा का ऐस कर। तो इन्होंने अकबर टू ने राम मोहन रॉय नू टाइटल दिता सीगा राजा का। तो ठीक है, एक तो आ इनफॉर्मेशन है, फिर बुक्स वगैरह इन जनरल मैं तुम्हें दसिया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ए एंड ऑर्गेनाइजेशन जड़ी जड़ी जड़े जड़े बंदे ने बनाई है इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। राजा राम मोहन रॉय दी बुक्स प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस
एंड अ गिफ्ट टू मोनोथीस, ये दो बुक्स का तुसी नाम याद रखना है। न्यूज़पेपर उस तो भी ज़्यादा जरूरी, न्यूज़पेपर है ना, दो न्यूज़पेपर सीगे, संवाद कौमुदी एंड मिरतुल अखबार। मिरतुल अखबार इन्होंने परशियन च स्टार्ट किया, संवाद कौमुदी इन्होंने बंगाली च स्टार्ट किया। ये फर्स्ट नैशनलिस्ट न्यूज़पेपर सीगे। न्यूज़पेपर्स दी स्टार्ट, न्यूज़पेपर्स दी कहानी स्टार्ट होंदी है बंगाल गजट तो। यह भी एक अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बंगाल गजट तो। ये 1780s से स्टार्ट होया सीगा बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स हिक्की इन्हें स्टार्ट किया सीगा बंगाल गजट। ये पहला अखबार सीगा इंडिया का। प्रेस इंडिया च कौन लेके आया है? पोर्चुगीज लेके आए हैं इंडिया च प्रेस। पहला अखबार बंगाल गैजेट, पहला नैशनलिस्ट अखबार। थोड़ा पूछा जाए फादर ऑफ नैशनलिस्ट प्रेस किनू कहा जाता है? राम मोहन रॉय नू कहा जाता है। संवाद कौमुदी ते मिरतुल अखबार इन्हों के दो अखबार सीगे। इस तो इलावा इन्होंने 1817 च हिंदू कॉलेज की भी फाउंडेशन रखी एट कैलकटा, एट मतलब इनू प्रेजीडेंसी कॉलेज के नाम नाल हुण जाणिया जाता है। उदो इन्होंने हिंदू कॉलेज के नाम नाल यह कॉलेज स्टार्ट किया सीगा अलोंग विद डेविड हेयर। डेविड हेयर एक क्रिश्चन मिशनरी सी, दोनों ने मिल के हिंदू कॉलेज की फाउंडेशन रखी। सती तो इलावा होर कड़ियाँ सोशल प्रैक्टिस इन्होंने अपोज की, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ही फेवर्ड द री मैरिज ऑफ विडोज, फीमेल एजुकेशन, वीमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी। तो इन सारिया फील्ड्स सोशल फील्ड्स इन्होंने काम किया। इन्हों की डैथ होंगी है इंग्लैंड से। मैं तुम्हें दस्या कि इंग्लैंड से यह गए थे राजा नाल नैगोशिएट करन लई, उत्थे ही इन्हों की डैथ हो जाती है। ही डाइड इन ब्रिस्टल इन इंग्लैंड। ठीक है, हुण ब्रह्मो समाज का की बनिया आफ्टर द डैथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ये ब्रह्मो समाज थोड़ा जहाँ एदियाँ डिटेल्स अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है। हर ऑर्गनाइजेशन आप इन्नी डिटेल आपको करने की लड़ नहीं, तो जिमें मैं पहला क्या जिन्ना को आप क्लास करा मोर दैन सफिशेंट इन्फॉर्मेशन है। लाइक नैक्सट जे इंपॉर्टेंट लीडर है, मतलब आफ्टर द डैथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय तो कोई होर आता है, रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के पापा जी। ता मतलब पर वो इन्ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पढ़ना केशव चंद्र सेन बारे। नैक्सट जड़े इंपॉर्टेंट लीडर है ब्रह्मो समाज के, केशव चंद्र सेन। ये ब्रह्मो समाज नू 1857 च ज्वाइन करते हैं, 20 साल का गैप है। उदो दुबिंद्र नाथ टैगोर होंगे लीडर ये। इन्हों मतलब जो ज्वाइन करते हैं इन्हों का कलैश हो जाता है ओल्डर लीडरशिप ऑफ ब्रह्मो समाज न। ये कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करना चाहते होंगे है, कुछ लाइक इन्हों की विचारधारा मिलती नहीं होंगी पुराने लीडर्स नाल, इस करके ब्रह्मो समाज स्प्लिट हो जाता है एंड ये बना लेंगे अपना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जोड़ा पुराने वाला ओरिजिनल ब्रह्मो समाज है वह बन जाता है आदि ब्रह्म आदि ब्रह्मो समाज। आदि ब्रह्मो समाज ओरिजिनल एंड ये अपना बना लेंगे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। हुण आपां नूं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किने बनाया? केशव चंद्र सेन। ब्रह्मो समाज किसने बनाया? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है जी, कदों बनया? 1866। वन ऑफ द मुद्दास जिस ते केशव चंद्र सेन ने अपना खून पसीना लाया वो है एज ऑफ मैरिज। इन्हों के हिसाब ना कहते कि मिनीम एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए है बई, लाइक बहुत छोटी उम्र से बच्चों की इतने इंडिया से शादी कर दी जाती है, चाइल्ड मैरिज एक सोशल इविल है। तो इन्होंने एफर्ट्स नाल नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पास होया। इसने 18 and 14 मिनीम एज डिसाइड की, 18 मुंडिया की एंड 14 कुड़िया की, भी घट्टो घट इन्नी एज के बच्चे ही शादी कर सकते हैं। बट मतलब आयरनी की है, केशव चंद्र सेन ने अपनी ही माइनर डॉटर की शादी माइनर राजा ऑफ कूच बिहार नाल करती, मतलब राजा ऑफ कूच बिहार नाल अपनी 9 साल की बेटी की शादी करती। हुण इन्हां दे फॉलोअर्स नूं लगा यार ये तो मतलब हिपोक्रेसी हो गई कि तुसी प्रीच करते रहे कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने एक्ट भी ले आए, नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872, तो तुसी आपदी ही बेटी माइनर बेटी की शादी करती है तो कोई गल नहीं बनी। तो इन्हां दे फॉलोअर्स जड़े सीगे इन्हां तो ही डिसइनचेंट होके अपनी एक सैपरेट ऑर्गनाइजेशन बना लेंदे है, साधारण ब्रह्मो समाज।
ਸਾਧਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਾਈਪਲ ਸੀਗੇ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਬੋਸ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਧਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਇਨ 1878 ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਐਂਡ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਬੋਸ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਇਹ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਵਾਜ ਬੋਰਨ ਇਨ ਕਾਥੀਆਵਾੜ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀਗਾ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਸਵਾਮੀ ਬਿਰਜਾਨੰਦ ਅਗੇਨ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਬਿਰਜਾਨੰਦ ਮਥੁਰਾ ਬੇਸਡ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਵੇਦਾਸ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੈਦਿਕ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਵਰ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਈਵਿਲਜ਼ ਆ ਗਏ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਵੈਦਿਕ ਵੇਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਈਵਿਲਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਮੈਨ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਬੈਕ ਟੂ ਵੇਦਾਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਦਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੀਏ ਤੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੈਦਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਡ ਔਨ ਬਰਥ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਰਥ ਬੇਸਡ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ So he encouraged intercaste marriages and widow remarriage. Next, he started Shuddhi movement. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਫੋਲਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨਸ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੇ ਲਈ ਆਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਏ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਦ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਡਕਟਡ ਬੈਕ ਇਨ ਟੂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵੰਸ ਹੂ ਹੈਡ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨਸ ਬੁੱਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰੋਡ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੇਦ ਭਾਸ਼ਯ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਟਲੀ ਹਿੰਦੀ ਪਾਟਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਐਂਡ ਵੇਦ ਭਾਸ਼ਯ ਇਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਆਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਫਾਊਂਡਡ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਇਨ 1875 ਕਿੱਥੇ ਬੰਬੇ 'ਚ 1875 'ਚ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੰਬੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀਗੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਇਨ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੋ ਲਾਈਕ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਦ ਇਨ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਫ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜਿਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਿਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਬੋਇਜ਼ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਹੰਸਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲਾਈਕ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੁਰੂਕੁਲ ਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣ ਗਏ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ DAV ਕਾਲਜ DAV ਸਕੂਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ DAV ਸਕੂਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ 1886 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਐਂਡ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂਕੁਲ ਫੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਕਾਲਜ ਫੈਕਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਬਿਰਜਾਨੰਦ ਇੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਐਂਡ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ
स्वामी दयानंद वेदास्त वैदिक फिलोसफी च ज़्यादा फेथ रखते सी, स्वामी विवेकानंद वेदांतिक फिलोसफी, वेदांतिक फिलोसफी, ये वेदांता की है, वैदिक फिलोसफी एंड वेदांतिक फिलोसफी थोड़ा जा लाइक वेदांतिक फिलोसफी एक सबसेट है, उपनिषद नू वेदांता कहते हैं। पहला वेद लिखे गए, फिर होर वैदिक लिटरेचर लिखी गई जिवें ब्रह्मनास अरण्यकास एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड उपनिषद लिखे गए जिन्हां च फिलोसोफिकल नॉलेज डिस्कस की गई है। उपनिषद नू वेदांता भी कहा जाता है, वेदा के अंत च जो लिखे गए है वेदांता, तो उपनिषदिक फिलोसफी या वेदांतिक फिलोसफी। स्वामी विवेकानंद तो वेदांतिक फिलोसफी से ज़्यादा यकीन रखते सी, स्वामी दयानंद वैदिक फिलोसफी से ज़्यादा यकीन रखते सी। तो ही प्रीज वेदांतिक फिलोसफी कंडेम द कास्ट सिस्टम एंड यूजलैस सैरेमनीज ज़्यादा रिचुअल्स एंड सैरेमनीज वगैरह है। स्वामी विवेकानंद की लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ही अटेंडेड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जड़ी कि शिकागो च हुई सी 1893 च, उत्थे मतलब फेमस जहाँ इंसीडेंट है कि डिफरेंट रिलीजियस बुक्स नू कंपाइल किया जा रहा सीगा एंड भगवत गीता नू सब तो नीचे रखा गया, लाइक होर लाइक रिलीजियस दियाँ बुक उपर 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 रखिया गई। एंड स्वामी विवेकानंद कहते हैं सिर्फ गीता ही इन सारिया बुक्स का भार झेल सकती सी। तो मतलब इदा एक छोटा जहा इंसीडेंट है इस कंटेक्स से। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन्होंने अटेंड की शिकागो 1893 च। अगेन इन्होंने कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स भी अटेंड की, इन्नी ज़्यादा फेमस नहीं कि उपर वाली ज़्यादा फेमस है, कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स जड़ी कि पेरिस च हुई सी 1900 च। फिर इन्होंने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, प्रबुद्ध भारत ते उद्बोधना, उद्बोधना बेंगोली च है, प्रबुद्ध भारत इंग्लिश च है। इन्हां दी फेमस स्टेटमेंट है सर्विस टू मैनकाइंड इज द सर्विस टू गॉड, लोगों की सेवा करो रब की सेवा आपे हो गई, एम्प्टी बैली नोज नो गॉड, ये भी स्वामी विवेकानंद की स्टेटमेंट है कि भुखे ढिड नूं रब बारे कुछ नहीं पता, इस करके सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, जो तुसीं भुखे नूं रोटी खवा दोगे एज गुड एज रब की सेवा करती। इन्हां ने मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई है, एक राम कृष्ण मठ ते एक राम कृष्ण मिशन, एक मठ एक मिशन। हुण मठ दे नाम तो ही क्लीयर है रिलीजियस गल्लां नूं प्रमोट करन लई है, अपने जिहड़े गुरु सी इन्हां दे स्वामी राम कृष्ण परमहंस उन्हां दीयां टीचिंग्स नूं प्रमोट करन लई इन्हां ने मठ बनाई है। एंड जिहड़ा सोशल मैसेज सीगा चैरिटेबल एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है स्कूल्स हॉस्पिटल्स उन्हां नूं प्रमोट करन लई राम कृष्ण मिशन स्टार्ट करते हैं। मठ ते मिशन हैडक्वाटर दोनों का ही इवेंचुअली बनता है बेलूर, ये कलकत्ता दे जस्ट कोल ही, मतलब अज की डेट से तो कलकत्ता दे विच ही कह सकते हैं, उन्हां जमाने से कलकत्ता तो जस्ट नाल ही एक जगह सी बेलूर, उत्थे इन्दे हैडक्वाटर है। मठ दे ओरिजिनल हैडक्वाटर होंगे है बारा नगर, बट बड़ा नगर या बारा नगर जो भी है, बट हैडक्वाटर सो लेटर शिफ्ट टू बेलूर नियर कलकत्ता। तो रामाकृष्ण मिशन मिशन इन्होंने बेलूर च ही बनाया जिद मैं गल की नियर कलकत्ता इन 1897। पहला की बने है पहला मठ बनाई है 1887 च, फिर मिशन 1897 च इन्होंने बनाया। फिर मतलब ये तीन तो आप प्रॉपर डिटेल आपू पता होने चाहिए है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर कुछ होर इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मरस वगैरह भी है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी है, यंग बेंगोल मूवमेंट। हूँ इतने नाम काफ़ी ज़्यादा होर्गनाइजेशन या मूवमेंट प्लस उन्होंने फाउंडर नाल जे कदे कदे साल भी होया तो वह भी इंपॉर्टेंट है। यंग बेंगोल मूवमेंट स्टार्ट की जाती है बाय हैनरी डेरोजियो इन कलकत्ता इन 1830s, जड़े कलकत्ता चाहिए काफ़ी रेडिकल मूवमेंट सी, ऑल टूगैदर ये चाहते थे कि ब्रेक फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी, पास्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, सारे लाइक मॉडर्न एजुकेशन आ जाए, मॉडर्न सिस्टम इस्टैबलिश हो जाए कर दिता जाए। हैनरी डेरोजियो यंग बेंगोल मूवमेंट 1830s बेंगोल। प्रार्थना समाज 1867 बॉम्बे, फाउंडर सी डॉक्टर आत्मा राम पांडुरंग। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी, हुण थियोसोफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क च बनी सी 1875 च। हुण इहदे लाइक बनी भी बाहर सीगे ते फाउंडर्स भी फरंगी सीगे, मतलब बाहर दे बंदे सीगे, मैडम ब्लावेट्सकी
एंड हेनरी एच एस ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट एंड मैडम ब्लावेट्सकी, ये इन्हों के फाउंडर से। न्यूयॉर्क से यह सोसाइटी बनी सी। इंडिया च भी इस सोसाइटी का ऑफिस ओपन किया जाता है, इंडिया च भी अपनी प्रीचिंग्स वगैरह कर रहे थे। इंडिया च मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर कौन है थियोसॉफिकल सोसाइटी का? एनी बेसेंट। आप पहला तुसी इन्ना कुछ पढ़ चुके हो एनी बेसेंट बारे। शी वॉज मतलब शी केम टू इंडिया टू वर्क फॉर द थियोसॉफिकल सोसाइटी। आई तो वह थियोसॉफिकल सोसाइटी लिए काम करन सीगे, बट इवेंचुअली वो पॉलिटिक्स से इंटरवीन हो गए एंड अगे अगे काम चलता रहा जड़ा तुसी ऑलरेडी स्टडी कर लिया होया है। तो मैडम ब्लावेट्सकी एंड एच एस ऑलकॉट का तुसी नाम याद रखना है, इन्होंने न्यूयॉर्क से थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई सी। इंडिया च मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर एनी बेसेंट, यदा हैडक्वार्टरस है थियोसॉफिकल सोसाइटी का आदियार नियर मद्रास 1882 च। हैडक्वार्टरस है आदियार नियर मद्रास, जिमें रामकृष्ण मिशन के मठ द बेलूर नियर कैलकटा, आदियार नियर मद्रास। मुस्लिम रिफॉर्म्स की जो आप गल करिए इतने दो तीन मूवमेंट्स इंपोर्टेंट है। द मोस्ट इंपोर्टेंट है अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान 1875 दे अराउंड यह अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मतलब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टैबलिश किया जाता है अलीगढ़ च, एंड ये नाल ही आप ट्रेडिशनली मानते हैं अलीगढ़ मूवमेंट का स्टार्ट होया। सर सैयद अहमद खान एजुकेशन नू प्रमोट करना चाहते थे अमंग द मुस्लिम्स, ये मानते थे कि लाइक हिंदूज एंड मुस्लिम्स इंडिया च रहिंदे है बट लाइक एक सेम ही कौम है, दे बिलोंग टू वन कौम। तो ये मुस्लिम्स नू मुस्लिम्स के इंटरस्ट नू प्रमोट करने लिए एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे, क्योंकि इन्हों लगता सीगा कि मुस्लिम्स मिस आउट कर रहे हैं। अंग्रेज़ सरकार आ गई है, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैबलिश कर रहा है, हिंदूज तो उस एडमिनिस्ट्रेशन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुस्लिम्स इन्ना नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एजुकेशनली एडवांस नहीं है। तो उस केस ये एजुकेशन वगैरह प्रमोट करना चाहते थे। इस ही कंटेक्सट एम ए ओ कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टैबलिश किया गया एट अलीगढ़ इन 1875। इवेंचुअली यह लाइक एट प्रेजेंट जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इतों ही निकली है, इट टर्नड इन टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये तो हो गया लाइक अलीगढ़ ट्रेंड। होर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स जड़े कंजरवेटिव मुस्लिम से ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम से दियोबंद मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना हुसैन अहमद। मौलाना हुसैन अहमद की लीडरशिप दियोबंद मूवमेंट स्टार्ट होंगी है 1866। ये दियोबंद जगह है यूपी च, उत्थे बेस्ड है। दियोबंद च एक इस्लामिक सैमीनरी स्टैबलिश की गई दरुल उलूम, अज की डेट च भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है मुस्लिम्स लिए, दरुल उलूम दियोबंद च। जिमें बरेलवी दियोबंदी मुस्लिम्स च सैक्ट चल दी हैं जोड़े दियोबंद फॉलो करते हैं। दरुल उलूम किने स्टार्ट किया? मौलाना हुसैन अहमद 1866 दियोबंद यूपी च। नैक्सट है पंजाब च अहमदिया मूवमेंट स्टार्ट की गई। अहमदिया मूवमेंट कितने? बेस्ड इन कादियाँ, गुरदासपुर को जगह है कादियाँ। कादियाँ च मिर्जा गुलाम अहमद इस्टैबलिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं अहमदिया मूवमेंट। ये भी एजुकेशन से फोकस कर रही थी, टू डिफेंड इस्लाम अगेंस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज एंड आर्य समाजिस। ठीक है, हेलो हेलो। नेक्स्ट है कुछ होर रिफॉर्म मूवमेंट्स। बाबा दयाल दास ही फाउंडेड द निरंकारी मूवमेंट, ही इंसिस्टेड ऑन वर्किंग वर्शिप ऑफ गॉड एज निरंकार फॉर्मलेस। तो निरंकारी मूवमेंट स्टार्ट होंगी है बाय बाबा दयाल दास। नामधारी मूवमेंट या कुका मूवमेंट स्टार्ट होंगी है बाय बाबा बालक सिंह। बाबा बालक सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ द नामधारी मूवमेंट, बट जड़े मोस्ट फेमस परसनैलिटी एसोसीएटड विद दिस मूवमेंट है बाबा राम सिंह। सिंह सभा स्टार्ट कीतियां गईयां लाहौर च ते अमृतसर च 1870s च। दे वर एम्ड एट रिफॉर्मिंग सिख सोसाइटी, पंजाबी लिटरेचर प्रमोट करन लई, गुरमुखी नू प्रमोट करन लई सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट हुई 1870s च लाहौर ते अमृतसर च। एंड सिंह सभा दी कंट्रीब्यूशन नाल ही 1892 च खालसा कॉलेज इस्टैबलिश किया गया अमृतसर च। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खालसा कॉलेज अमृतसर च कदों इस्टैबलिश होया? 1892 च।
दैन 1920 से गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होंगी है, सिख गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होंगी है। अकाली इस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, इवेंचुअली अकाली दल पोलिटिकल पार्टी भी बनती है। अकाली लीड करते हैं सिख गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट च, अल्टीमेटली मतलब बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द अकाली एंड द अदर सिख ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सिख गुरुद्वारा एक्ट पास करती है 1925 च, विच गेव लीगल रेकग्निशन टू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। एक्चुअली SGPC 1920 जी बन जाती है कि यह कमेटी को पावर होनी चाहिए है गुरुद्वारा कंट्रोल करन दी, बट मतलब लीगल स्टेटस यदा डिफाइन नहीं होंदा। 1925 च सिख गुरुद्वारा एक्ट पास होंदा, SGPC नू लीगल स्टेटस मिलता है, इन्हें अथॉरिटी मिलती है टू कंट्रोल दी गुरुद्वारा। तो यह कुछ सिख रिफॉर्म मूवमेंट सीगियाँ। नैक्सट पारसी रिलीजियस रिफॉर्म की जो आप गल करिए रहनुमाई मजदियाँ सभा पारसी रिफॉर्म सोसाइटी इस्टैबलिश हुई सी 1851 च बॉम्बे च बाय फदून जी नैरोजी एंड SS बेंगोली। दो पारसी बंदियां दे नाम फदून जी नैरोजी एंड SS बंगाली। हुण ए मतलब इस तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हां दा अखबार सी रस्त गोफ्तर, जिदे एडिटर सीगे दादा भाई नैरोजी नूं तां तुसीं जानदे ही हो। He was the editor of रस्त गोफ्तर, जड़ा कि रहनुमाई मास्तियां सभा का अखबार सीगा। इस तो अलावा कुछ होर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जड़ियां आपां नूं याद होनियां चाहीदियां अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो, मानव धर्म सभा इहदे फाउंडर सीगे दुर्गाराम मंचरम, रामहंस मंडली इहदे फाउंडर सी दादोबा पादोरंग, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाय जी अकरकर एंड बाल गंगाधर तिलक, राधा स्वामी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय स्वामी शिवदयाल, देव समाज वॉज स्टार्टेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज स्टार्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये काफ़ी सारिया आप ऑर्गेनाइजेशन देखिया एंड उन्होंने फाउंडर्स देखे एंड साल देखे एंड थावं देखिया। ये काफ़ी लाइक फैक्चुअल इनफॉर्मेशन है, बट लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो अपन पूछी जा सकती है कि कड़े ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर कौन सी, कदों बनी है, की होया। तो ये हम तुम्हें लाइक इस कंटेक्स कोई क्वेश्चन आता तो आई होप यू विल बी ईजीली एबल टू टैकल। तो दैट्स ऑल एज फार एज द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आर कंसर्न।